बड़ी खुशी है इस बार परिवर्तन होगा और खिलसर में कमल खिलेगा, भारी मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मतदान कर दिया है। हाँ बताइए, मतदान कर दिया, कैसा लग रहा है और किस तरह पूरा ये चुनाव आप देखते हैं? अच्छा लग रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, इस बार खिलसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है, इतना जनता के अंदर उत्साह है। आप जहाँ भी देखो 7 बजने को 7:15 बजे और लाइनें लग गई है, लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है, आम जन परिवर्तन चाहते हैं। तो इस बार खिलसर की जनता चुनाव लड़ रही है, 36 गांव के लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होगी। जो 23 तारीख को मतगणना परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला परिणाम आएगा। खिलसर में पिछली बार नजदीकी मुकाबले में आप हार गए थे, लेकिन इस बार कितना आपको लग रहा हार जीत का अंतर, बढ़ेगा घटेगा, क्या रहने वाला है? मैंने बता दिया ना, बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमल खेलेगा, भारी अंतर से जीतेंगे। कुछ इलाकों में जो बूथ है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्या, फर्जी वोटिंग या उस तरह की चीजों को लेकर भी आप तैयारी कर रहे हैं? सभी ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में होते हैं, अति संवेदनशील केंद्र होते ही है जहाँ बूथ, तो यहाँ भी है ऐसे, तो वो तो व्यवस्था है, सरकार का काम है, जहाँ अति संवेदनशील बूथ है उस पर सरकार निगरानी जरूर रखेगी, वो तो व्यवस्था बनानी है सरकार को। सरकार कह रहे हैं कि सरकार मशीनरी का प्रशासन का काम, कोई सरकारी देख लो कहाँ है सरकारी मशीनरी, मैं पैदल आया मेरे घर से, कोई सरकारी कोई नहीं, मतलब जनता चुनाव लड़ रही है, तो कोई मंत्री संतरी है ही नहीं, आपको दिखाई दिया मंत्री कहाँ, कोई मंत्री संतरी कोई नहीं, ऐसे ही वो तो बेवकूफी बातें करते हैं जी उनका, तो कौन करता है वो आपको पता ही है, आप बताओ ना। मैं तो वो जनता बता देगी शाम तक। शाम तक क्या बताने वाली जनता, जनता परिवर्तन करेगी। हाँ। तो परिवर्तन 10 महीने पहले भी मौका था, नहीं हुआ, हुआ ऐसे कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोट कुछ बंट गए थे और आम चुनाव था, जनता ने खूब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन कुछ पार्टी की वोटों का कुछ बंटवारा, इस बार पक्का मिलने की उम्मीद है। इस बार तो आम जन चुनाव लड़ रहे हैं, खिलसर की 36 गांव की जनता चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार तो परिवर्तन जरूर होगा और चौंकाने वाला परिणाम आएगा, जो 23 तारीख को जो मतगणना और रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला है।